मौसम का मिजाज 10 जिलों में पाला, नौगांव दूसरे दिन भी देश में सबसे ठंडा शहर। 0 से 3.4 डिग्री वाले 29 शहरों में प्रदेश के 9 शहर। नमस्कार, देखिए भोपाल की विशेष खबर। इंदौर और भोपाल सहित पश्चिम मध्य प्रदेश के मुकाबले महाकौशल बुंदेलखंड के इलाके रहे ज्यादा ठंडे। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण मध्य प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। नौगांव, उमरिया, खजुराहो, मलाजखंड, ग्वालियर, गुना के आगे देश के बड़े हिल स्टेशन ऊटी, शिमला, मनाली, देहरादून, कोईकिनाल फीके पड़ गए हैं। नौगांव में रात का तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया। यह दूसरे दिन भी प्रदेश भर में सबसे ठंडा और देश का दूसरा शहर रहा है। खजुराहो में पारा 1.6, उमरिया में 1.7, ग्वालियर में 2.6, मलाजखंड में 2.8, गुना में 3.0, सतना में 3.0, सिंधी और दमोह में 3.4 डिग्री पर पहुंच गया। देश के इन प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर रात का तापमान 4 से 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। राजस्थान का चूरू देश भर में सबसे ठंडा रहा। वहां रात का तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। 0 से 3.4 डिग्री तक तापमान वाले देश के 29 शहरों में मध्य प्रदेश के 9 शहर शामिल रहे। छतरपुर एवं बालाघाट जिलों में तीव्र शीतलहर यानी सिविल कोल्ड वेव चली। दमोह, जबलपुर, सागर, सतना, सिंधी, उमरिया, गुना एवं ग्वालियर जिले शीतलहर की चपेट में रहे। मौसम विशेषज्ञ AK शुक्ला ने बताया कि जहां तापमान 4 डिग्री या उससे कम रहा वहां पाला पड़ना माना जाता है। भोपाल में चौथे दिन भी रात का तापमान 8 डिग्री तक नहीं पहुँच सका। यह 7.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। भोपाल में लगातार 7वें दिन कोहरा छाया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड दो रंग दिखा रही है। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के मुकाबले महाकौशल व बुंदेलखंड के इलाके ज्यादा ठंडे बने हुए हैं। मौसम केंद्र ने रविवार को भी चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल और भोपाल संभाग के रायसेन में पाला पड़ने और शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्ला ने बताया कि उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंचा है। इसके कारण देश के बड़े हिल स्टेशन के आसपास बादल छाने से तापमान कम नहीं हो पाया। हमारे यहाँ आसमान साफ है, इस कारण बर्फीली हवा सीधी असर दिखा रही है। हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर RK जयसवाल के मुताबिक पाले से गेहूं, चने को करीब 10%, तुअर मसूर को 40%, मटर को 15% नुकसान पहुँच सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।